Hello friends, I am Aditya and you are watching Learning Experience with AK Oberoi, and this is the chapter Tom Loses a Tooth for Class 9 Students Lesson 7 West Bengal Board. This chapter is in Hindi explanation. So, the Tom Loses a Tooth is written by Mark Twain, and let's start the chapter. So, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो कौन सी हो। टॉम ऑलवेज फाउंड मंडे मॉर्निंग टू बी मिजरेबल। तो टॉम जो है वो मंडे मॉर्निंग यानी कि मंडे के दिन को मंडे की जो सुबह होती है उसको बहुत ही मिजरेबल मानते हैं, वो दुखी मानते हैं। ओके, मिजरेबल यानी दुखी या फिर नाखुश। सो वो पसंद नहीं करते मंडे मॉर्निंग को। मंडे बिगन्स अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल। सो मंडे क्या होता है कि जो दिन होता है मंडे वो स्कूल जाना पड़ता है मंडे पे, और सिर्फ मंडे ही नहीं, मंडे से तो स्टार्ट होता है ना यार, पूरा वीक हमें जाना पड़ता है, फ्राइडे या फिर सैटरडे तक जाना पड़ता है। तो ये चीज उन्हें पसंद नहीं थी टॉम को। ओके, सो टॉम ले इन थिंकिंग प्रेजेंटली ही विश दैट He was sick, then he could stay home from school. तो टॉम अब बैठकर सोच रहे थे कि अब वो क्या कर सकते हैं presently. He wished that he was sick. तो उसे लगा कि अब वो बीमारी का बहाना कर सकते हैं। अगर वो बीमार होते तो अच्छा होता, तो इसलिए अब वो बीमारी का बहाना करके वो स्कूल जाने से बच सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि he investigated his body with The hope of finding some ailment. So, Tom ने क्या देखा? Tom ने यही investigate किया। Tom ने ये investigation किया कि वो अपने जो शरीर में कुछ ailment को खोज रहे थे, यानी कोई बीमारी को खोज रहे थे। Okay, बीमारी को ढूंढ रहे थे। अगर कहीं उनके शरीर में कोई बीमारी निकलती है, तो वो school जाने से बच सकते हैं। Okay? He thought that he had Found symptoms of stomach trouble. तो यहाँ पर टॉम को लगा कि उन्होंने कोई सिम्टम, ठीक है, कोई बीमारी अपने अंदर ढूंढ ली है, जैसे कि स्टमक ट्रबल यानी कि पेट की बीमारी या पेट दर्द, ठीक है। सो उनको ऐसा लगा, एक्चुअली में हुआ नहीं था, ये काल्पनिक है ये बात। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई सिम्टम मिल चुका है शरीर में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ही बिगन टू ग्रो होपफुल। तो अब यहाँ सुनिए, ही बिगन टू ग्रो होपफुल। अब उसे लग रहा था कि अब ये सिम्टम जो मिला है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन क्या हुआ, हाउ एवर द सिम्टम्स सून ग्रू फिबल एंड वोली वेंट अवे। और ये क्या हुआ कि जो सिम्टम था, ठीक है, पेट दर्द का जो सिम्टम था दिखा था, वो क्या हुआ, ग्रू फिबल, फिबल यानी कमजोर पड़ता गया, ये जो सिम्टम है वो कमजोर पड़ता गया, और फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे फिबल एंड वोली वेंट अवे, और धीरे धीरे वो वोली वेंट अवे यानी कि धीरे धीरे वो चला गया पूरी तरीके से। सो ऐसा कुछ उन्हें नहीं लगा कि कोई सिम्टम वैसा कुछ था नहीं उनके अंदर। सो टॉम थॉट फर्दर, सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग। तो टॉम ने क्या डिस्कवर किया, कुछ उन्हें सोचा और उसने कुछ डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया, क्या नई चीज उन्होंने आविष्कार की, यहां पर देखना पड़ेगा। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज। उनके जो ऊपरी जो सामने के दांत थे वो लूज था, वो हल्का सा लूज हो चुका था, ठीक है, वो हिल रहा था दांत। सो ही फेल्ट लकी, अब वो बहुत ही खुश हो गया। ही वॉज अबाउट टू ग्रोन। ग्रोन यानी कि जब दर्द होता है तो आप कैसे चिल्लाते हैं, जोर से बीमार होते हैं, दर्द होता है तो आप जिस तरीके से चिल्लाते हैं उसे ग्रोन कहते हैं। ओके, ही फेल्ट लकी ही वॉज अबाउट टू ग्रोन। इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ आंट पॉली वॉज टू नो शी वुड श्योरली पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट। तो उनको अब यहां पर क्या लगा, यहां पर जो टॉम है उसे क्या लगा कि अगर वो चिल्लाने वाले तो थे, लेकिन अब अगर वो यहाँ चिल्लाते हैं टॉम, तो टॉम चिल्लाएगा अगर यहाँ पे तो क्या होगा, आंट पॉली आएगी, और आंट पॉली अगर आंट पॉली को पता चला ये बात तो वो उसकी वो दांत जो है वो उसको निकालने की पूरी कोशिश करेगी और वो दांत को
पक्का उनके दांत को निकाल लेगी और फिर क्या होगा, उनके दांतों में बहुत दर्द होगा और फिर टॉम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो हर्ट होगा। सो यही उनकी थिंकिंग थी। तो फिर क्या हुआ, टॉम थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट। सो टॉम को लगा कि नहीं, ये आइडिया को बाद के लिए रखना चाहिए मेरे को, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन बाद में मैं इसे लगा सकता हूँ इस आइडिया को। ओके, सो यही सोचा, ही रिमेम्बर्ड हियरिंग फ्रॉम अ डॉक्टर दैट अ सर्टेन एलिमेंट कुड ले अप अ पेशेंट फॉर 3 डेज। अब उसके दिमाग में एक और बात आती है, पेट दर्द तो नहीं चला उनके पास, और उसके बाद जो दांत का दर्द था वो भी आइडिया बेकार हो गया, क्योंकि अगर दांत का दर्द का बहाना करेगा वो टॉम तो फिर उसकी जो आंट पॉली है ना वो तो निकाल देगी दांत। तो फिर क्या हुआ, उनके दिमाग में और एक आइडिया आया, और क्या आइडिया आया कि उन्होंने डॉक्टर को, किसी वक्त सुना होगा किसी डॉक्टर से कि एक ऐसी बीमारी होती है एलमेंट यानी बीमारी, सो वो बीमारी किसी पेशेंट को होती तो 3 दिन तक होती है वो पेशेंट को, और पेशेंट अपने ले अ पेशेंट फॉर 3 डेज, और वो बिस्तर में पेशेंट को गिरा सकता है बीमारी ऐसी, यानी उठने की हालत नहीं रहेगी 3 दिन तक, ऐसी बीमारी होती है, एंड मेक हिम लूज अ फिंगर। और क्या था कि ऐसी बीमारी में आपका एक उंगली भी जा सकता है। ओके, सो ऐसा उन्होंने कहीं पे सुना था। ही एगली ड्रू हिज सोर्ड टो फ्रॉम अंडर द शीट। और फिर क्या हुआ कि उनके दिमाग में एक और आइडिया आया। सो क्या आइडिया आया वो देखते हैं। तो यहाँ पर ही एगली ड्रू हिज सोर्ड टो फ्रॉम अंडर द शीट, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि अब वो जो उसका जो पैर है वो अपने शीट के, यानी चद्दर हो सकता है, कम्बल हो सकता है, तो उसके अंदर से वो बाहर निकालने का इच्छा हुआ। ठीक है, उसे इच्छा हुआ कि उस अपने पैर को, अपने टो को वो बाहर निकाले, एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के लिए वो बाहर निकाले। ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम, उसे पक्का तो पता नहीं था सिम्टम है क्या। ओके, वो जो सिम्टम, वो क्या बीमारी का बहाना बनाएगा ये तो उसे नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में आया पैर को लेके कुछ बहाना बना लेता हूँ। ओके, हाउएवर इट सीम्ड लाइक अ गुड चांस, और ये टॉम के लिए एक अच्छा सा चांस था। टॉम को लगा कि ये उसके लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा चांस है। टॉम फेल ग्रोनिंग, तो टॉम फेल टू ग्रोनिंग, और फिर टॉम चिल्लाने लगा। ठीक है, जोर जोर से चिल्लाने लगा। बट हिज ब्रदर सिड स्लेप्ट ऑन, लेकिन क्या हुआ कि जो टॉम के भाई है सिड, वो तो फिर भी सो रहे थे, वो जितने भी चिल्ला ले वो उठ नहीं रहे थे। टॉम ग्रोंड लाउडर, और इसलिए टॉम और भी जोरों से चिल्लाने लगे। ही फैंसीड दैट ही बिगैन टू फील पेन इन द टो, और उन्हें फैंसीड यानी वो अपनाने लगे इस चीज को कि उनके पैर में सही में दर्द हो रहा था। नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम सिड। टॉम देन स्टार्टेड अ सक्सेशन of groans. However, Sid snored on. Tom became excited. He said, Sid, and shook him. This course worked well. तो कोई फायदा नहीं हुआ था, टॉम जितने भी जोर चिल्ला ले, सिड तो सो रहे थे, और उसके बाद इसलिए टॉम और जोर से चिल्लाने लगे, और सिड फिर भी स्नोर ले रहे थे, स्नोर यानी कि खराटे मार रहे थे। टॉम बिकेम एक्साइटेड, टॉम बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए, इसलिए उन्होंने सिड को ज़बरदस्ती शुक किया यानी हिलाया, और कहा सिड जल्दी उठ जाओ, और ये आइडिया उनका काम कर गया। सिड यॉन्ड देन रेजिंग हिमसेल्फ ऑन हिज एल्बो। तो यहाँ पर सिड ने क्या किया, सिड ने उबासी ली और अपने एल्बो से उठने की कोशिश की, और स्टेड एट टॉम, और उन्होंने स्टेयर्ड किया टॉम के ऊपर, यानी टॉम के ऊपर नज़र घुमाई। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, टॉम चिल्लाते जा रहा था। सिड सेड टॉम, से टॉम, तो फिर सिड अचानक से देखा कि टॉम चिल्ला रहा है, तो इसलिए सिड अचानक से टॉम के पास जाकर उसे कहा, टॉम से टॉम, क्या हुआ टॉम। टॉम का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नो रिस्पॉन्स। हेयर टॉम, टॉम व्हाट्स द मैटर टॉम। तो यहाँ पर सिड कह रहा है कि टॉम टॉम क्या हुआ टॉम। Sid shook him and looked in his face anxiously. बड़े उदासी से उसके फेस को देख रहे थे सिड, शॉक्ड भी थे एक तरीके से, क्या हुआ टॉम को। टॉम मोंड आउट, और टॉम फिर चिल्लाने लगा, ओ डोंट सिड, डोंट शेक मी, और फिर कह रहा था कि ओ डोंट सिड,
सिड ऐसा मत करो, मुझे शेक मत करो, मुझे मत हिलाओ सिड। वाई व्हाट्स द मैटर टॉम? तो सिड यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या बात है टॉम? आई मस्ट कॉल आंटी, मुझे आंटी को बुलाना चाहिए, ऐसा सिड कह रहे थे। नो नेवर माइंड, टॉम कह रहे हैं नो नेवर माइंड, बिल्कुल भी नहीं, इट विल बी ओवर बाई एंड बाई, मे बी डोंट कॉल एनी बडी। तो यहाँ पर टॉम ने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो होता ही रहता है। बट आई मस्ट डोंट ग्रोन सो, तो यहाँ पर सिड कह रहे हैं नहीं मुझे जाना चाहिए और उन्हें बुलाना चाहिए, तुम ऐसे मत चिल्लाओ। टॉम इट्स ऑफुल, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये सही नहीं है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस, तुम कब तक कब से इतने दर्द में हो? तो ये सवाल पूछा किसने, सिड ने टॉम से कि वो कब से दर्द सह रहा है। आवर्स, घंटों से, तो टॉम ने जवाब दिया घंटों से। आउच ओ डोंट स्टेयर सिड, तो यहाँ पर कह रहे हैं सिड को टॉम कि आउच मैंने तकलीफ हो रही है, वो रिएक्ट कर रहा है कि डोंट स्टेयर सिड, मुझे मत हिलाओ। सिड यू किल मी, सिड को कह रहा है टॉम की तुम मुझे मार ही डालोगे। टॉम Why didn't you wake me sooner? Tom, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? अब यहाँ पर सिड कह रहा है कि टॉम को कि उसने उसे पहले क्यों नहीं उठाया है। ओ टॉम यू आर डाइंग, यू आर यू डोंट टॉम ओ डोंट, तो यहाँ पर सिड बोल रहे हैं टॉम को, टॉम ओ टॉम यू आर डाइंग, तुम क्या मर नहीं रहे हो? आर यू, तुम क्या मर रहे हो यहाँ पर? डोंट टॉम ओ डोंट, ऐसा मत कहो टॉम, तुम नहीं मर सकते। आई फॉरगिव एवरीबडी सिड, तो टॉम ने कहा कि आई फॉरगिव एवरीबडी सिड, यानी कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। अब टॉम ऐसा शो कर रहा है, ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो मरने वाला है, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैंने सबको माफ़ कर दिया सिड, जाओ कह दो सबसे, टेल देम सो। सिड हैड रश टू कॉल हेल्प, और सिड ने जल्दी ही जाकर मदद की पुकार लगाई। Tom's imagination was working perfectly. By now and his groans had gathered a genuine tone. अब क्या हुआ कि टॉम की जो इमेजिनेशन है, ये जो आइडिया है ना टॉम का, ये काम करने लगा बिल्कुल सही तरीके से, और his groan had gathered a genuine tone, और इसका जो चिल्लाना भी एक अलग टोन बन गया, उसका भी टोन बदलने लग गया और एक अलग ही टोन में वो बदल गया। Meanwhile, Sid flew downstairs and said, और तभी क्या हुआ कि जो सिड है वो downstairs यानी नीचे गया, flew यानी उतर कर नीचे गया, और जल्दी में rush करते हुए, oh Aunt Polly come, Tom's dying, तो Tom's dying यानी कि Tom मर रहा है, Aunt Polly जल्दी आइए, Tom मर रहा है। dying, तो Aunt Polly ने पूछा क्या वो मर रहा है? yes don't wait, come quick, तो यहाँ पे सिड कह रहा है वेट मत कीजिए जल्दी आइए। What rubbish, I don't believe it, तो यहाँ पर आंट पॉली कह रही है क्या रबिश है, क्या बकवास है ये, मुझे तो विश्वास नहीं होता। She flew upstairs with Sid and Mary, तो वो ऊपर गई सिड और मैरी के साथ, मैरी भी उसकी कज़न है, सिड भी कज़न है, तो दोनों कज़न्स है टॉम के। सो आंट पॉली गई उनके साथ ऊपर सिड और मैरी के साथ। हर फेस ग्रू पेल एंड हर लिप्स ट्रम्बल, तो जब वो ऊपर गई तो उसका जो फेस था वो ग्रू पेल यानी ग्रे हो गया, उदासी छा गई उसके फेस पे, ग्रू पेल यानी उदास हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया। एंड हर लिप्स ट्रम्बल्ड, और उसके ओंट भी जो है वो भी घबराने से लगे, सूखने पड़े, और उन्हें उन वो भी टेंस्ड हो गई थी कि क्या ऐसा हो गया। When she reached the bedside, she gasped out, तो जब वो बिस्तर के पास पहुंची, वहां ऊपर में पहुंची, बेड के साइड में गई, तो वहां पर वो gasped out यानी कि थोड़ी सांस ली जोर से, राहत की सांस ली, क्योंकि वो थक कर ऊपर गई थी, सो इसलिए उतने सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई थी, इसलिए वहां पर थोड़ा गैप्स्ट आउट किया, वहाँ पर जोर से सांसें ली, थक गई थी इसलिए। टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, तो यहाँ पर आंटी पूछ रही है टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, तो टॉम क्या बात है टॉम बताओ मुझे। ओ आंटी आई एम, तो यहाँ पर टॉम कह रहे ओ आंटी मुझे ऐसे तकलीफ में है यहाँ पर टॉम। व्हाट इज द मैटर विथ यू चाइल्ड, क्या बात है बेटा,
तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या बात है, ऐसा आंट ने पूछा टॉम से। ओ आंटी माई टो इज पेनिंग, तो यहाँ पर टॉम ने आंटी को कहा, ओ आंटी मेरे पैरों पे बहुत ही दर्द हो रहा है, मेरे जो टो है उस पे बहुत दर्द हो रहा है। द ओल्ड लेडी सैंक इन टू अ चेयर, और फिर क्या हुआ कि टॉम की जो आंटी है वो चेयर पे जाकर बैठ गई, एंड शी लाफ्ड अ लिटल, और फिर वो थोड़ी हंसने लगी, देन क्राइड अ लिटल, और फिर थोड़ी रोने भी लगी। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि एक वक्त उसे ऐसा लगा उनकी आंटी को कि सही में टॉम को कुछ गंभीर समस्या तो नहीं हो गई, सही में उनकी उसकी अंतिम दिन है आज, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन फिर जब पता चला कि पैरों पे दर्द है तो उसे एक बकवास लगा, और इसलिए वो हंसी और बुरा भी इसलिए लगा, दुखी भी इसलिए हुई क्योंकि वो बहुत ही सीरियस ले चुकी थी इस बात को, लेकिन अच्छा हुआ जो कि ऐसा कुछ नहीं था। Then she said, उसके बाद उन्होंने कहा, Tom, what a shock you did give me. Tom, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे शॉक दे दिया था। Now shut up the nonsense and get out of this. और फिर कहा उनकी आंटी ने कि अब बस भी करो ये सब चीज़ें और बाहर निकलो इस चीज़ों से, चुप करो अब। द ग्रॉज सीज्ड, और इसके बाद ही क्या हुआ, जो चिल्लाना था टॉम का अचानक से बंद हो गया, द टो पेन वैनिश्ड, और पाँव का दर्द भी छूमंतर हो गया। टॉम फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड सेड, आंट पॉली हाउ माई टूथ एक, तो उसके बाद टॉम थोड़ा बेवकूफ़ था इसलिए टॉम ने बेवकूफ़ी अपनी फिर से दिखाई और कहा कि आंट पॉली मेरे दांतों में बहुत दर्द है, द पेन इज़ मोर देन दैट इन माई टू, मेरे पैरों से भी ज़्यादा मेरे दांतों में दर्द है। योर टूथ इंडीड, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ, तो अब यहाँ पर आंटी कह रही हैं कि दांतों में दर्द है, अब दांत में क्या हो गया तुम्हारा, वन ऑफ द इज लूज एंड इट एक ऑफुल, तो वो कह रहा है टॉम की इसमें से एक में बहुत दर्द हो रहा है और वो बहुत ही लूज हो चुका है, ढीला हो चुका है और उसमें बहुत एक हो रहा है, दर्द हो रहा है जोरों से। देयर देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, तो कहाँ पे लेकिन अब चिल्लाना मत, ठीक है, अब चिल्लाना मत, बहुत चिल्ला लिया तुमने। ओपन योर माउथ, अपने मुँह को खोलो, Your tooth is loose, but you are not going to die for that. तुम्हारे दांतों में दर्द है लेकिन तुम इसे मर नहीं जा रहे हो, ठीक है, समझो ये बात। तो टॉम को आंट पॉली ने बताया। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड, तो यहाँ पर मैरी को कहा आंट पॉली ने, मैरी जो उसकी कज़न है उसको कहा कि जाओ मैरी मेरे लिए एक सिल्क थ्रेड ले आओ, एक सूता ले आओ सिल्क का। टॉम सेड, ओ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट, अब टॉम डर गया, तो टॉम ने कहा नहीं नहीं आंटी रहने दीजिए, मत निकालिए इसे, इट डजंट हर्ट एनीमोर, अब मेरे दांतों पे और दर्द नहीं हो रहा है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, प्लीज आंटी आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, और यहाँ पर कह रहे हैं टॉम कि आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे स्कूल जाना है, ऐसा कह रहा है, मुझे स्कूल से दूर नहीं रहना है, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम, मुझे स्कूल में नहीं रहना है, मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे स्कूल जाना है एक्चुअली, ऐसा कह रहा है टॉम। तब टॉम जो ये बात कहा ना, तो इसके बाद आंट पॉली ने उसकी बात को पकड़ लिया, अच्छा ये घर पे नहीं रहना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, इसका मतलब कि ये जो जितना नाटक था टॉम का ये सब स्कूल नहीं जाने के लिए किया गया था, ना कि स्कूल जाने के लिए। तो टॉम यहाँ पर आंट को अपनी बातों पे फंसा रहा था, लेकिन आंट को तो असली बात पता चल ही गई। सो ऑल दिस वॉज बिकॉज यू वॉन्टेड टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग, तो तुम्हें मछली पकड़ने के लिए जाना था ना टॉम, स्कूल ना जाकर, यही तो बात थी ना, ऐसा आंट पॉली ने कहा। टॉम आई लव यू सो मच एंड यू ट्राई टू ब्रेक माई हार्ट इन एवरी वे विथ योर नॉटिनेस, देखो टॉम मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ लेकिन तुम हर बार मेरा दिल तोड़ते हो अपनी ये बदमाशियाँ, ये नॉटीनेस, ये शरारते कर। By this time the dental instrument was ready, और अब क्या था कि वो जो दांत के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मंगाया था दांत को निकालने के लिए वो घर पे उनका रेडी था। द ओल्ड लेडी फास्टेंड, वो जल्दी जल्दी से वन एंड से वो बांध दी सिल्क थ्रेड को, कहाँ पर,
टॉम के तूत पर, ओके, एंड द अदर एंड टू द बेड पोस्ट, और वो जल्दी से उसके बेड पोस्ट पलंग के किनारे पे उसे बांध दिया गया. शी पुल्ड एंड द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट, और उन्होंने जोर से खींचा और दांत निकल कर डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट, और बेड के पोस्ट के किनारे पे वो हिल रहा था, हैंग कर रहा था. ओके, टॉम नाउ हैड अ गैप इन हिज अपर रो ऑफ टीथ. अब क्या हुआ कि टॉम के जो ऊपर की जो रो थी दांत के ऊपरी हिस्से में, वहाँ पर एक गैप हो गया, वो जगह में एक गैप हो गया, यानी फाका हो गया वो जगह. दिस इनेबल हिम टू स्माइल इन अ न्यू एंड एडमायरेबल वे, और ये उसकी एक नई मुस्कान को लाया. ये जो दांत निकलने के बाद उसकी मुस्कान में परिवर्तन हो गया, और वो अलग तरीके से हंसता था, जो कि एडमायर करता था, बहुत ही अच्छा लगता था लोगों को. ठीक है, अट्रैक्टिव, एडमायरेबल, तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, पहले से भी बेहतर लग रहा था. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा. कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी.